Thank you.
जरूरी तैराकी करवा अवसर तो गुरबाणी का जरा कीर्तन संभव करते मैं सारे बेनती कर देवा कि साढ़े पास भाई साहब सांझ पाणगे। बहुत जरूरी है अज के समय अंदर सुचेत होना जागना। सो भाई साहब जी को मैं बेनती करांगा कि वो 2 बजे तक गुरमत विचार रही समुची सात संगत को जोड़न का यतन करेंगे, क्योंकि इन्होंने एक बीड़ा चुकया होया है। आप जी सोशल मीडिया से मीडिया के राही देखते सुनते हो कि जड़ा विप्रवाद हावी हो रहा है उसके विरुद्ध अपनी आवाज़ उठा रहे ने। मेहनत की जड़ी विचारधारा सी ना गुरु नानक की विचारधारा जड़ी सी ना उसनों समझ के, क्योंकि जे एक कोई टीचर है तो उसकी लेजिटिमेट ड्यूटी बनती है कि वह बच्चों जो विद्या है दे आज पावन पुरब से आप जी सेवा स्टार बाहर लगी हो सब कुछ छकना है, पर जड़ी सोझी गुरु के दरबार तो अब मिलनी है। शायद समय फिर बार बार नहीं मिलते। आप जी को बेनती की जाती है कि आप जी सारे आके गुरु दरबार में बैठो। क्या दशमेश पिता तेरी बात कहूँ जो तूने पर उपकार किए, एक खालस खालसा पंथ सजा जातू के भेद निकाल दिए, उस तेग के बेटे तेग पकड़ दुखियों के काट जंजाल दिए, उस मुल्क वतन की खिदमत में कहीं लाल दिए, कहीं बाप दिया कहीं लाल दिए। सो आओ इतिहास ना जुड़िए, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की। साहिब जी गुरदाता घर गुरदीपक तेंदो अमर पदार्थ नानका मन मन सुख हो कई बहुत बंदी शोर नारी कर्म न जाना धर्म न जाना लोभी माया तार का ए राखो पैज तुम्हारी हर जियो निमाणिया कुमाना नचीजिया चीज कर तेरी कुदरत का कुर्बाना हर जियो निमाणिया कुमाना नचीजिया चीज करे मेरा गोविंद तेरी कुदरत का कुर्बाना। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभं गुर प्रसाद महला पंजवा गुरपुरै मेरी राख लई अमृत नाम हृदय मैं दीनो जन्म जन्म की मैल गई गुरपुरै मेरी राख लई अमृत नाम हृदय मैं दीनो जन्म जन्म की मैल गई निवरे दूत दुष्ट मैं राही गुरपुरे का जपया जाप प्यारा प्रभु मेरी का बड़ प्रताप सिमर 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 सुख पाया चरण कमल रख मन माही
नानक दास जाते ऊपर ओ नहीं। परम सन्मानियो तन धन शब्द प्रकाश पुरब नूं मनाउंदिआं होइआं आप समूह इलाका निवासी संगत अपनी जीवियां भरी जिंदगी विचों समां कढ के सतगुर दी गोद विच बहो प्यार नाल जुड़ के बैठे हो। आओ आप जी ने बहुत प्यार नाल मेरे तो पहला सत्कारयोग भाई साहब हुणां दे जथे पासों सतगुर दी पावन बाणी दा कीर्तन सरवण कीता है। आओ जिवें भाई साहब उन्होंने बेनती कर दी है जिहड़े वीर भैणां सेवावां कर रहे ठीक ने जिहड़े बिना सेवावां तो वैसे बाहर खड़े ने आपस विच गल्लां बातां कर रहे ने उह पंडाल विच उपर आओ क्योंकि जिस मकसद लई असीं घरां चों तैयार हो के आए हाँ चले गए जिहड़ा सुनेहा है जिहड़ा मैसेज है गुरु पातशाह दा असीं नाल नाल लै के गए साडा आया दा की फायदा है। असीं इत्थों आण के कुछ सीखना है सेवक सिख पूजण सब आम है सारे बोलो सब गावे हर हर उत्तम बाणी गाव्या सुनिया तिन का हर थाए पावे जिन सतगुरु की आ गया सत सत करमन तो अपने गुरु की आग्ञा मनेगा वो जिन्हें अपने गुरु की आग्ञा नु पहला सुनिया होएगा विचारिया हो तो सब तो पहला साडा फर्ज बनता सी अपने गुरु की गल नु बहुत ध्यान नाल सरवण करिए फिर उसनों विचारीए तो विचारन तो बाद अपनी जिंदगी दे विच उस शब्द को उस ज्ञान को उस सिक्ख्या को अपनाउण दा यतन करिए। आओ जितने तुसी घरां च बैठे लाइव सर्व कर रहे हो जां गुरु दरबार विच बैठे हो अपने सैल फोन मोबाइल फोन उन्ना क समा सैल नंबर ते कर लो कि जदों गुरु दरबार विच मोबाइल दी रिंग वजदी है साडा ध्यान उठदा है गुरुद्वारा साहिब दे हदूद दे अंदर इह नियम दी पालना सानू सारे नूं करनी चाहीदी है अपना फर्ज समझदिया होया कि इस पूर्ण तौर पर एकाग्रता प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्रती आओ बुलंद आवाज में अति बुलाओ गज के आपको साथ संगत जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। विचारां दी अगत एक बार बाणी दियां इन्हां तुकां का पाठ कर लीए ताकि साडा मन शब्द विचार इतिहास भी जुड़ सके सारी संगत बड़े प्यार ना हाजरी लवाओ कोई रसम ऐदा दी ना रवे जिहड़ी बाणी ना पढ़े सारे बड़े प्यार ना हाजरी लवाओ जी निमाणिया तू माण हर जियो तेरी कुदरत कौ कुर्बान तेरी कुदरत कौ कुर्बान तेरी कुदरत कौ कुर्बान तेरी कुदरत कौ कुर्बान निमाणिया तू माण हर जियो निमाणिया तू माण निमाणिया तू निमाणिया तू माण हर जियो निमाणिया तू माण सब कमाल धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जिन्हां दा प्रकाश दिहाड़ा तुसीं मूल नानक साहिब कैलेंडर अनुसार जो 2003 विच अकाल तख्त तों लागू होया सी सब तो पहली गल इत्थों दी प्रबंधक कमेटी ते संगतां वधाई दीआं पात्र ने कि जिहड़ा 2003 विच मूल नानक साहिब कैलेंडर सरदार पाल सिंह पुरेवाल कनेडा निवासी जिहड़े एडमिंट रहिंदे सन जिहड़े कुछ समा पहला यानी कि पिछले साल 2022 दे विच इस फानी दुनिया विचों सदा लई अकाल चलाना कर गए हैं पर उन्हां दी कीती हुई मेहनत जो उन्होंने सिख कौम लई वडमुली सेवा कीती है जिहड़ी इस गल नूं संगतां समझदियां ने जां जिहड़ी संगत जानकारी रखदी उन्हां नूं पता होएगा भी कई सालां दी मेहनत तो बाद मूल नानक साहिब कैलेंडर होंद विच लिआंदा गया 2003 विच ओह कैलेंडर लागू किया गया जिउंदियां ने जिहड़ियां अजे भी उस मूल नानक साहिब कैलेंडर उपर पहरा दे रहियां ने ते उन्हां विचों एक प्रबंधक कमेटी तुहाडे शहर दी है
कि लगातार 2003 तो तुसी पहरा दे रहे हो, सारी संगत प्रबंधक कमेटी वधाई दे पात्र ने कि हो सकता है इन्हां वल वेख के तुहाडे वल वेख के जिन्हां दीआं जमीरां मर चुकियां। आप जी पता होएगा जो मूल नंग से कैलेंडर अकाल तख्त तो पहली बार लागू होया सी ते सब तो पहला इहदे विरोध विच बयान RSS दे मुखी दा आया सी कि सानू इह कैलेंडर प्रवान नहीं है। कैलेंडर होवे सिखां दा ते प्रवानगी लैण वास्ते सानू किसी होर कोलों परमिशन लैणी पवे। इह तों सहजिआं अंदाजा लाया जा सकदा है कि अज विपर एडा तेज है वह पगां दे रूप च गोल परनियां दे रूप च दमालियां दे रूप च साडे विच प्रवेश कर चुका है। कहना बड़ा सौखा है जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज द्यूं मैं सारा जाबे कह विपरण की रीत मैं ना करूं। असी वो इंसान हाँ विपर दियां रीतां करी भी जाने ते पढ़ी भी जाने न्यारा भी आखी जाने। तो खैर जिहड़ी मैं बेनती करनी चाहुंदा कलगीधर पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जिन्हां दे प्रकाश पुरब मनाउंदियां होइयां, वैसे इस बार बहुत जागरती है, तुसीं नोट कीता होएगा सोशल मीडिया ते भी, ते बहुत प्रबंधक कमेटियां भी ने जिहड़ियां इस साल गुरु गोबिंद सिंह महाराज का प्रकाश पुरब 5 जनवरी यानी कि 23 जनवरी को मना रहीआं ने। तो इहदा अर्थ हौली हौली एक दूजे वल वेख के साडे अंदर चेतनता जागरता, क्योंकि ये गल जरूरी क्यों है इहदे पिछे इक बहुत वड्डा कारण है। तुसीं सारियां मेरियां भैणां वीर बजुर्ग पढ़े लिखे बैठे हो, जे साडे बच्चियां दे साडियां धीआं साडियां पुत्तां दीआं जन्म तरीकां फिक्स ने, मान लो किसी के पुत का जन्म 5 दिसंबर का है, वह कभी यह नहीं कहेगा कि अगले साल पता नहीं दिसंबर च आना है कि पता नहीं नवंबर च आना है कि पता नहीं 5 दिसंबर। पर जो गुरु पातशाह के प्रकाश पुरब आते हैं हर साल क्यों चेंज होंगे इतने नहीं मुश्किल आ रही आप सब तो वही मुश्किल आ रही विदेशों सा जोड़े बच्चे पढ़ने गए ने उत्थे बहुत ज्यादा लिखा हुआ है स्ट्रीटा के नाम पंजाबी लिखे कि तुम बड़ा काम किया साडे देश की साडा दिल करता कि जिवें असीं क्रिसमस डे दीआं छुट्टियां करदे आं तुहाडे वी पातशाह दे प्रकाश पुरब दी असीं छुट्टी करना चाहुंदे सानूं इक दिन दस्स दे किहड़ा दिन देवांगे आपां साडे ते हर साल दिन बदल जांदे ने। ते जे सरदार पाल सिंह पुरेवाल ने इस गल उत्ते मेहनत कीती ते लगातार मेहनत करके कैलेंडर सानूं दित्ता ते अज बहुते विपरवाद पखंडवाद करने वाले डेरावाद जिहड़े जिन्हां नूं पैरां ते मत्थे टिकाउण दी आदत पई है गुरु की हजूरी च वह कदे नहीं चाहणगे सिख कौम न्यारी हो के समाज विच विचरे। देखो खांदे सारे रोटी ने पीते सारे पानी ने जिहड़ी शरीर की खुराक सारे इको होएगी पर सिख न्यारा क्यों है सिख विच न्यारापन क्यों है क्योंकि उहदा कारण सी लोकां नालों अलग ने साडा मनण दा साडा रब नूं परमेश्वर नूं मनण दा जिहने सारी कायनात नूं बनाया होया असीं अकाल दे पुजारी हां पूजा पाल की परचा शब्द का दीदार खालसे जे साडे चों न्यारापन नहीं आया पर बाकी ते साडे लोकां च की फर्क रह गया। जदों जकरिया खान दे कोल अबदाली जांदा है ध्यान नाल सुणो अबदाली ने लगभग 12 तों 13 हमले कीते भारत देश विच ते लोकां नूं पर किसे ने राह ना रोकिया। पर एक वक्त आया सिखां ने उहनूं ब्यास दरिया नाल पार कर दित्ता उहदे कोलों समान खोह के जिन्हां दा सी उहनां दे घरां च वापस पहुंचाया ते अबदाली किसी ने मेरा राह नहीं रोके कौन लोग ने जिन्हें मैनू लुट लिया मैं भारत देश में लुटिया मेरा किसी ने राह नहीं रोकया ये लोग कौन ने उत्थे प्राचीन पंथ प्रकाश ज्ञानी रतन सिंह जी भंगू उन्होंने पंथ प्रकाश में यह गल